हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पुलिस परीक्षा और उसके साथ ही साथ अलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का पार्ट टू। इसका पहले हमारा एक पार्ट आ चुका, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में जो हम करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले, पिछले 6 महीना के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। उसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जितनी परीक्षाएं हुई, जैसे यूपी SSSC, फॉरेस्ट गार्ड, यूपी PCS, यूपी ARO, यूपी PCL ऑफिस असिस्टेंट, ARO, RO और यूपी PCL AI, यूपी SSSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, इन सब में और यूपी टीचर भर्ती, इन सब में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहाँ पे एक एक करके हर वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, यानी कि पार्ट टू। आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर प्रोफेसर भंते आनंद कीर्ति को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है ये किसको दिया जाता है? तो ये उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जो उस साल सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम करता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए अच्छा कार्य करता है। और जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ ये जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। इनकी जो रेस्टिंग प्लेस यानी कि समाधि है वर्तमान में, ये है चैत्य भूमि मुंबई में, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल कहाँ है? तो चैत्य भूमि मुंबई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो आप कोई भी इंडेक्स या सूचकांक याद कर रहे हैं तो वहां से आपको तीन क्वेश्चन याद रखना। पहला क्वेश्चन ये कि उस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही, क्या स्थान रहा। दूसरा क्वेश्चन, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है। तीसरा क्वेश्चन, उस रिपोर्ट में नंबर वन देश कौन रहा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018, तो इसमें भारत की जो स्थिति रही वो रही 138, यानी कि इसकी रैंक रही 138। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और इस रिपोर्ट में जो नंबर वन देश रहा वो रहा नार्वे। और ये क्वेश्चन और याद रखना, बस मेनली इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन वो ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे नीचे पायदान पे कौन सा देश रहा? तो वो रहा उत्तर कोरिया देश, यानी कि उत्तर कोरिया जो देश है वहाँ पे जो रिपोर्टर्स हैं यानी कि जो मीडिया है, समाचार पत्र है, टेलीविजन, उनको जो स्वतंत्रता है वो एकदम 0% है इस रिपोर्ट के अनुसार। और जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मई को। अगला क्वेश्चन, 2018 के मध्य किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2018 का संचालन किया गया? तो जो हरिमाऊ शक्ति है ये करता है भारत मलेशिया के साथ, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है मित्र शक्ति, और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है संप्रीति, भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होती है उसका नाम है सहयोग काइजिन। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है और एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान और अमेरिका, तीन देशों के बीच होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीन, भारत बांग्लादेश के बीच तेल पाइपलाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो इन दिए हुए विकल्पों में से कौन सा क्वेश्चन सही है? तो एक एक करके हम विकल्प देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक ये तेल पाइपलाइन बिछाई जाएगी, जो कि ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये जो पाइपलाइन जिस पे समझौता के हस्ताक्षर किए गए हैं ये भारत के सिलीगुड़ी जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ से चलकर बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पाइपलाइन है इसकी जो कुल लंबाई यानी कि टोटल लंबाई है वो करीब करीब 130 किलोमीटर, ये भी क्वेश्चन सही है। अगला है, इसके माध्यम से प्रतिवर्ष भारत बांग्लादेश को 1 मिलियन टन
टन जो डीजल है वो भेजेगा बांग्लादेश। ये भी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी, ऑल राइट। और अभी अभी 1 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन यानी कि यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट सॉरी असिस्टेंट इंजीनियर यूपीपीसीएल AE का एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बांग्लादेश है वहाँ के फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता का नाम क्या है। तो उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी हम आपको बता दें कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया। क्वेश्चन ये पूछा इसलिए पूछा गया था क्योंकि अभी अभी बांग्लादेश में हुए हैं जनरल इलेक्शन। तो जनरल इलेक्शन में जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में उभरी है वो है आवामी लीग, जिसने 300 में से टोटल 228 सीटें जीती हैं। और इसकी जो लीडर है उनका नाम है शेख हसीना। तो जो तीसरी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी उनका नाम है शेख हसीना। और शेख हसीना जी जो हैं ये हैं शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 1 जनवरी 2019 को यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में कि जो बांग्लादेश है उसके फादर ऑफ नेशन कौन है। तो उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, जिनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, इसके अलावा भारत के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है महात्मा गांधी, और पाकिस्तान के जो फादर ऑफ नेशन है उनका नाम है जिन्ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शंघाई सहयोग संगठन जिसको शॉर्ट में कहते हैं SCO के रक्षा मंत्रियों की 15वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो ये आयोजित की गई थी 2018 में भारत सॉरी चीन की राजधानी बीजिंग में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ए। और SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन का जो मुख्यालय है वो भी है चीन की राजधानी बीजिंग में। और वर्तमान में जो भारत की रक्षा मंत्री उनका नाम है निर्मला सीतारमण। इसके अलावा चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और शी जिनपिंग फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार 2018 के दुनिया के सबसे सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इस यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मलेरिया रोग होता है ये किसके कारण होता है। तो मलेरिया रोग होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। और अभी अभी 4 जनवरी को मनाया गया विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। और ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति थे लुईस ब्रेल जिनका जन्म हुआ था फ्रांस में 4 जनवरी को। तो उन्होंने जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनके पढ़ने लिखने के लिए जो भाषा का आविष्कार किया था उसका नाम था ब्रेल लिपि। तो उन्हीं की यादगार में प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। एक डे और आपको याद रखना, 21 जून। 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व योगा दिवस। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल का जो एग्जाम हुआ था 18 जून में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। आप देख सकते हैं जाके पेपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पहला अंतर्राष्ट्रीय MSME सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित किया गया। तो MSME सम्मेलन पहला आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और वर्तमान में जो MSME के मंत्री हैं उनका नाम है गिरिराज सिंह। MSME का फुल फॉर्म है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, और इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि नौकरियां देता है टेक्सटाइल सेक्टर यानी कि कपड़ा उद्योग के बाद। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कपड़ा उद्योग के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है जो कि नौकरियां देता है वो है MSME सेक्टर, जिसके मंत्री हैं गिरिराज सिंह। और MSME मंत्रालय ने एक योजना चलाया था जिसका नाम था सोलर चरखा मिशन। इसके अलावा सिक्किम राज्य ने अभी अभी एक योजना चलाई है जिसका नाम है वन फैमिली वन जॉब, यानी कि एक परिवार एक नौकरी जो योजना है इसको चलाया है सिक्किम राज्य ने। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था वन डिस्ट्रिक्ट वन वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट योजना, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना, जिसको चलाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन, गंगा हरितिमा अभियान 2018 के संबंध में कौन सा कथन सही। तो एक एक करके कथन देख लेते हैं। गंगा हरितिमा जो अभियान है इसको चलाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7 अप्रैल 2018 को। तो ये डेट आपको नहीं याद रखना, बस याद रखना कि ये योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया है। कहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, तो ये लॉन्च किया था इलाहाबाद के परेड मैदान से। और इसमें क्या बोला गया, तो इसका जो लक्ष्य रखा गया कि एक व्यक्ति एक ब्रज का नारा दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो गंगा हरितिमा अभियान है ये
पर्यावरण मंत्रालय द्वारा समर्पित योजना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। और वर्तमान में जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं उनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और जो इलाहाबाद शहर है इसका नाम बदल दिया गया, अब नया नाम रखा गया प्रयागराज। और अभी अभी जो UP SSC वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2019 का जो अर्ध कुंभ का मेला होगा वो कहाँ लगेगा, तो वो लगेगा प्रयागराज में, संगम के तट पे, जो कि 14 जनवरी यानी कि कल से स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा जो वन जिला एक उत्पाद योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने चलाया है। एक क्वेश्चन और याद रखना जो कि UP SSC ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दस्तक अभियान किस सरकार ने चलाया है। तो दस्तक अभियान जो है जापानी इंसेफ्लाइटिस से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रूपश्री योजना चलाई गई है। तो रूपश्री योजना चलाई गई है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है ममता बनर्जी, और इनकी जो पार्टी का नाम है वो है TMC, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में कि जो ममता बनर्जी इनकी पार्टी का क्या नाम, तो इनकी पार्टी का नाम है TMC। और यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी। यहाँ की राजधानी है कलकत्ता, जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है, और कलकत्ता को जॉय ऑफ सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो पश्चिम बंगाल है तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 22 अप्रैल 2018 को संपूर्ण विश्व में पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका थीम यानी कि विषय क्या था। तो 2018 का जो विश्व दिवस पृथ्वी दिवस मनाया गया इसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो, इंग्लिश में इसको बोलते हैं बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो विश्व, यहाँ से दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस 2018 का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करो, और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को। क्वेश्चन ये पूछा गया था UPPCL ऑफिस असिस्टेंट में कि विश्व पृथ्वी दिवस का जो होस्ट नेशन था ये कौन सा था, तो ये था अपना भारत, यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 2018 का जो होस्ट नेशन था वो था भारत। अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के 100 सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में जारी की गई है, तो इनमें से भारत के कौन से भारतीय व्यक्ति हैं। तो इनमें भारत के जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दीपिका पादुकोण, भावेश अग्रवाल और विराट कोहली, यानी कि उपयुक्त सभी। जो टाइम मैगजीन है ये अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन है, और दीपिका पादुकोण आप सभी को पता होगा, विराट कोहली भी पता होगा। जो भावेश अग्रवाल हैं ये हैं ओला कंपनी के फाउंडर और CEO। क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये पूछा गया था, एक एग्जाम हुआ था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था जो टाइम मैगजीन है इसको खरीद लिया है एक अमेरिका के बिजनेसमैन है जिनका नाम है मार्क बेनवाइट, और मार्क बेनवाइट पहले से थे Salesforce.com के CEO। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि Salesforce.com के CEO कौन है, तो इनका नाम है मार्क बेनवाइट। ये क्यों पूछा गया था, ये इसलिए पूछा गया था क्योंकि इन्होंने 2018 में जो दुनिया की बहुत बड़ी मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, इसको इन्होंने खरीद लिया है। तो ये क्वेश्चन अब ये पूछा जा सकता है कि मार्क बेनवाइट, सॉरी, टाइम मैगजीन के ओनर कौन है, तो इनका नाम है मार्क बेनवाइट। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए Salesforce.com के CEO कौन है, तो उसका भी आंसर होगा मार्क बेनवाइट, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, किसने किसको राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको कहते हैं NCC के नए महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। तो ये क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, फिर भी आपको याद रखना है। तो इसके जो नए महानिदेशक बने उनका नाम है जनरल PP मल्होत्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य 2018 घोषित किया गया है। तो सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। और 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार जो भारत का सबसे साफ शहर है वो भी है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, और दूसरा सबसे भारत का साफ शहर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के अभी अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है कमलनाथ, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ राज्य के भी राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
14, सातवें होम एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस के एग्जाम में, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इनोग्रेशन यानी कि शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा में। ये भी क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है ये खोली गई है नोएडा में, ये किस कंपनी ने खोला? तो ये खोला है साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, जो वाराणसी शहर है यहाँ पे मनाया जाएगा 21 से 23 जनवरी को विश्व भारतीय प्रवासी दिवस, सॉरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाएगा 21 से 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। और इसमें जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना कि 21 से 23 जनवरी तक मनाया जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस 2019। कहाँ मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। इसमें मुख्य अतिथि होंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ। और जो 2019 की 26 जनवरी है इसके मुख्य अतिथि होंगे साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, 26 जनवरी के मुख्य अतिथि होंगे सिरिल रामाफोसा जो कि हैं साउथ अफ्रीका के, और प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि होंगे प्रवीण जगन्नाथ जो कि हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के फाउंडेशन ने 2018 का दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया? तो एक्सीलेंस का जो अवार्ड है ये दिया गया अनुष्का शर्मा को। इसके अलावा 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये दिया गया विनोद खन्ना को। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा जगत का फादर यानी कि पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही भारत की सबसे पहली फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, एक साइलेंट फिल्म है जिसका जो कि 1913 में बनाया था, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतीय फिल्म जगत का पिता। अगला क्वेश्चन, पुस्तक सी यू टुमारो एट नाइन के लेखक कौन है? तो जो ये पुस्तक है सी यू टुमारो एट नाइन इसके लेखक हैं दीपल सक्सेना, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा अभी अभी 20 दिन पहले एग्जाम हुआ है यूपी टीचर भर्ती 69,000, तो जो 70,000 की यूपी टीचर भर्ती एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक क्यों? ये ऐसा क्यों पूछा गया? क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी अभी एक पिक्चर आई है जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो पिक्चर है ये एक किताब आई थी इससे पहले जिनका जो लिखा था संजय बारू ने, इसीलिए एग्जाम में पूछा गया क्योंकि ये जो फिल्म है बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, विवाद में है, न्यूज में है। तो आपको याद रखना द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जो पुस्तक है इसके लेखक थे संजय बारू जिस पे अभी अभी पिक्चर बनी है। और इससे एक मिलती जुलती पिक्चर पुस्तक आई है जिसका नाम है द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर। तो द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं। तो ये दोनों जो पुस्तकें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको रट लेना है और ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है यूपी टीचर भर्ती में। एक क्वेश्चन बुक और आपको याद रखना, एक पुस्तक आई थी एग्जाम वॉरियर, तो एग्जाम वॉरियर के जो लेखक हैं वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक पुस्तक आई थी वन इंडियन गर्ल, तो वन इंडियन गर्ल के जो लेखक हैं वो हैं चेतन भगत। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बुक और आपको याद रखना, जो शशि थरूर हैं इनकी एक और पुस्तक आई थी उसका नाम था व्हाई आई एम हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूँ। ये जो पुस्तक है ग्रुप डी के एग्जाम में सबसे ज्यादा 2018 में पूछी गई, तो आपको ये भी याद रखना व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा का उद्घाटन किया? तो ये किया था भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। और जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसको दो देशों ने मिलकर स्टार्ट किया है भारत और फ्रांस, इसीलिए 2018 का जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड है ये दो लोगों को दिया गया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन को। ये किसने चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो अवार्ड है ये दिया गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से क्योंकि भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो शुभारंभ किया इसी की वजह से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में देश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया? तो ये किया है अभी अभी गाजियाबाद में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और उत्तर प्रदेश ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है वन जिला
और एक जिला एक उत्पाद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने एक अभियान लॉन्च किया था जिसका नाम था दस्तक अभियान। इसके अलावा गंगा हरितिमा योजना चलाया। इसके अलावा एक और आपको न्यूज याद रखना है, उत्तर प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम था मुगल सराय रेलवे स्टेशन। तो मुगल सराय रेलवे स्टेशन का अब नया नाम रख दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। और जो फैजाबाद जिला था उसका नया नाम रख दिया गया श्री अयोध्या धाम। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक चौराहा था जिसका नाम था हजरतगंज चौराहा। तो हजरतगंज चौराहे का नया नाम रख दिया गया है अटल चौक। तो ये सभी बातें आपको याद रखना। इसके अलावा बरेली एयरपोर्ट का नया नाम रखा गया नाथ नगरी। इलाहाबाद का नया नाम रखा गया प्रयागराज। ये सभी आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं आरबीआई ने अपना पहला वित्तीय अधिकारी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर किसे नियुक्त किया है। तो रिजर्व बैंक में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी की पहले पोस्ट कोई नहीं थी, इन्होंने 2018 में पहली बार नई पोस्ट बनाई है। तो इसके पहली बार जो सीएफओ बनी है आरबीआई के उनका नाम है सुधा बालकृष्णन। इसके अलावा आरबीआई के अभी अभी नए गवर्नर बने हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था शायद UP SSC ग्राम विकास अधिकारी में कि जो शक्तिकांत दास हैं ये भारत के किस नंबर के आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो ये बने हैं 25वें नंबर के गवर्नर। और जो आरबीआई है इसका मुख्यालय है मुंबई में, और मुंबई को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे कम टेस्ट और पारियों को खेलकर 24 शतक पूरा करने वाले विश्व के दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए। तो ये हैं भारत के क्रिकेटर विराट कोहली। और दुनिया के जो सबसे पहले क्रिकेटर थे जो 24 पारियों में सबसे कम खेलकर सबसे कम पारियों में खेलकर 24 शतक बनाए थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के सर डॉन ब्रैडमैन। तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके अलावा अभी अभी ICC महिला का जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड होता है वो दिया गया है भारत की खिलाड़ी स्मृति मंधाना को जो कि मुंबई महाराष्ट्र की हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किसे जंगली प्रजातियों को संरक्षण के लिए के संरक्षण की श्रेणी के लिए में इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड 2018 सम्मानित किया गया। तो ये दिया गया है इन दोनों लोगों को, सिंह चुंग बुगुन ग्राम कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी को जो कि अरुणाचल प्रदेश की है। इसके अलावा लेम सोनेल लोक संगठन जो कि नागालैंड का नागालैंड का संगठन। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C, A और B। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और नागालैंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है इंग्लिश। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नेफ्यू रियू। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पेमा खांडू। यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसे दिया गया। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था UPSC ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़िए, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 किसको दिया गया। तो ये दिया गया ओल्गा टोकारजुक को। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी से रिलेटेड RRB बैंक के एग्जाम में। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 दिया गया ओल्गा टोकारजुक को, तो ये किस देश की है। तो ये है पोलैंड देश की लेखिका। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन RRB बैंक PO में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है कि जो मैन बुकर प्राइज इंटरनेशनल प्राइज 2018 ये दिया गया ओल्गा टोकारजुक को जो कि पोलैंड देश की लेखिका है, तो इनकी किस पुस्तक के लिए ये पुरस्कार दिया गया। तो इनकी एक नावेल आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ओल्गा टोकारजुक की एक नावेल आई थी जिसका नाम था फ्लाइट्स, इसी फ्लाइट्स नावेल के लिए दिया गया है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018 ओल्गा टोकारजुक को। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के मेधावी विद्यार्थियों हेतु कोचिंग हेतु मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। तो जो मेधा प्रोत्साहन योजना ये शुरू की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है जयराम ठाकुर। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा हरियाणा ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो योजना है इसको शुरू किया है सॉरी हिमाचल प्रदेश ने। और हिमाचल प्रदेश में ही बनेगा देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देश का पहला भूमिगत रेलवे स्टेशन बनेगा हिमाचल प्रदेश में। इससे पहले भारत में जो मेट्रो है इसका भूमिगत रेलवे स्टेशन था, लेकिन जो भारतीय रेल है इसका भूमिगत रेलवे स्टेशन कोई नहीं था। तो ये बनेगा पहला हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मई को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25,
हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया उनका नाम है मुश्ताक अहमद, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी। और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इसके अलावा 2018 का जो पुरुष विश्व हॉकी कप खेला गया वो खेला गया भारत के उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। 2018 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप खेला गया वो खेला गया कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की पुरुष हॉकी पुरुष 2018 में, और उप विजेता रही नीदरलैंड की, और भारत इसमें रहा 5वें स्थान पे। इसके अलावा जो हमारी भारत की हॉकी टीम है उसके पुरुष टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है मनप्रीत सिंह, और महिला टीम के जो कैप्टन है उनका नाम है रानी रामपाल, जो कि हरियाणा से हैं। तो ये थे आज का वीडियो जिसमें मैंने टोटल 25 क्वेश्चन कवर कर लिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस और उसके साथ ही साथ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही या भारत का स्थान क्या रहा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। एक बात और, अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो से रिगार्डिंग जब हमारा पार्ट 3 आया तो उसमें आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, करंट अफेयर में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जो भी आपको फीडबैक देना हो तो दे दीजिए, जिससे कि जब हमारा अगला वीडियो यानी कि पार्ट 3 आएगा तो उसमें आपको बेहतर हो सकेगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।